तो बच्चों लास्ट क्लास में मैंने आपको रिएक्शन बता दी थी जिसका नाम था एवोल्यूशन ऑफ गैस, पहचान नंबर टू एवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या रिएक्शन बताई थी, रिएक्शन का नाम मैं लिख देता हूँ आप लोग को अच्छा लगेगा। फिर मैंने आपको पढ़ाई थी एक शॉर्ट ट्रिक, कान का मंगल जानू फैशन का परवाना है क्यों है आज आओ पता लगाना है, जिसमें मैंने बताया था कि अगर जिंक HCl के साथ कनेक्ट होता है तो ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। देख लीजिए ध्यान से, Zn क्या होता है, मेटल यानी कि सॉलिड। HCl का कौन सा सोल्यूशन होता है, पानी में घुला हुआ मतलब एक्वस। फिर जिंक क्लोराइड का सॉल्ट बन जाता है एक्वस और ये हाइड्रोजन गैस निकल जाती है और इसमें हीट भी निकलती है। यस, तो बच्चे पार्टी ये हम लोगों ने इक्वेशन देखी पिछले क्लास में, बोलिए। फिर इसके बाद मैंने आपको एक रिएक्शन और बताई, मैंने कहा एक और पहचान है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट मैंने एक और रिएक्शन आपको और पढ़ाई कि एक और रिएक्शन है जिससे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है और जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। और इसको पढ़ाने के लिए मैंने आपको क्या क्या मिलाया था, लेड आयोडाइड बना था, क्या बनाया था, लेड सल्फेट PbSO4 प्लस पोटेशियम आयोडाइड Ki और मिलाने पर बन गया था यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट। चलो बात कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी बना लेते हैं पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 और मिलाने के बाद बन गया था तो फिर पोटेशियम लेड पोटेशियम आयोडाइड बनाना था बेटा। अच्छा, पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट, वही तो मैं कह रहा हूँ, नहीं तो पीला कलर कहाँ से आएगा। पोटेशियम, ओके, PbNO3 एंड आई थिंक इट वुड बी होल ट्वाइस, पोटेशियम नाइट्रेट और क्या, लेड नाइट्रेट एंड क्या बेटा, पोटेशियम आयोडाइड, आयोडाइड, ओके, Ki, यस, भिड़ा दिया था इसके दो मॉलिक्यूल लेकर के, तो क्या बन गया था हमारे पास, बन गया था PbI2 लेड आयोडाइड प्लस PbI2 एंड KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट के दो मॉलिक्यूल बन गए थे। ये थी बच्चों रिएक्शन। तो यहाँ पर PbI2 जो होता है वो होती है येलो कलर की प्रेसिपिटेट होती है। सो इस रिएक्शन को मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि बच्चा पार्टी ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। बोलो क्लियर है? यस सर। ओके, तो ये रिएक्शन हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाती है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। चलिए एक्सपेरिमेंट नंबर 4। अब अगली रिएक्शन पढ़ रहे हैं बच्चों जिसका नाम है चेंज इन कलर। तो अगली पहचान के बारे में हम आ रहे हैं कि चेंज इन कलर, कि कलर का जब चेंज होता है तो बच्चों वो भी एक रिएक्शन टाइप जो होती है, कलर का चेंज होने पर जो होने वाली रिएक्शन होती है उसको भी हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। चलो पढ़ो स्वास्थी, सम केमिकल रिएक्शन। हाँ बेटा बोल अनूप। सर प्लीज एक्सप्लेन वन मोर टाइम दैट फॉर्मेशन ऑफ PBT। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट रिएक्शन में देखिए हमने आपको क्या बताया था, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में मैंने कहा था कि एक इनसॉल्यूबल सब्सटेंस जो बनेगा आपके फ्लास्क में जाके बैठ जाएगा, जो घुलेगा नहीं, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो इसमें जो मैंने एग्जांपल आपको याद कराया था वो याद कीजिए कि लेड नाइट्रेट PbNO3 का एक्वस सोल्यूशन भर लिया था फ्लास्क में और ऊपर से मैंने क्या मिलाया था, पोटेशियम आयोडाइड का एक्वस सोल्यूशन। तो मिलाने के बाद ये बन गया था लेड आयोडाइड PbI2 जो कि येलो कलर का PPT हुआ करता था और प्लस क्या बनेगा, K एक वैलेंसी, NO3 एक वैलेंसी, तो K का प्लस और NO3 का माइनस बन गया KNO3 मतलब पोटेशियम नाइट्रेट और क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल दो दो हैं इसलिए लग गया 2KNO3 और PbNO3 का होल ट्वाइस बेटा क्योंकि लेड की वैलेंसी 2 होती है और नाइट्रेट आयन -1। बोलो समझ में आया कि नहीं आया अनूप? यस सर। कोई दिक्कत कहीं पर, कुछ पूछो, कोई सवाल जवाब? नो सर, क्लियर। चलो तो अब अगली रिएक्शन हम पढ़ा रहे हैं चेंज इन कलर। सर ऐसी कोई रिएक्शन बताओ कि चेंज इन कलर हो जाए, चेंज इन कलर।
बच्चों चेंज इन कलर कहीं पर भी हो, इसका मतलब वो जो रिएक्शन हुई है वो केमिकल रिएक्शन है। वैसे तो देखा जाए तो चेंज इन कलर ऊपर वाले में भी हुआ है, ये रिएक्शन भी चेंज इन कलर का सपोर्ट करती है। मैंने आपको लास्ट क्लास में डायग्राम दिखाया था कि डालने के पहले, मिलाने के पहले ये भी कलरलेस था, मतलब इसका भी कोई कलर नहीं था और इसका भी कोई कलर नहीं था, ये भी कलरलेस था। बट जब दोनों को मिला देते हैं तो येल्लो कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है, मतलब रिएक्शन में कलर चेंज आया है। चलो एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। एक दूसरा एग्जांपल क्या है? एक दूसरा एग्जांपल ये है कि हमारे पास रहता है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। इस सॉल्ट को बोलते हैं बच्चों पोटेशियम परमैंगनेट, और इसके साथ हम क्या मिलाते हैं? ऑक्जैलिक एसिड। ऑक्जैलिक एसिड तो होता क्या है, KMnO4 बच्चों बहुत डार्क पिंक कलर का होता है, गहरा पिंक कलर, और ऑक्जैलिक एसिड जो होता है वो होता है कलरलेस। ये रिएक्शन 11th क्लास में आप सभी लोग अपने स्कूल में करेंगे, और ये रिएक्शन ऐसी होती है कि जब डार्क पिंक कलर में ऑक्जैलिक एसिड मिला दिया जाता है तो इसका पिंक कलर गायब हो जाता है और जो सोल्यूशन बनता है वो भी कलरलेस बनता है। तो आप सोच सकते हो कि पिंक कलर में आपने कोई कलरलेस चीज़ डाली और जो बनने वाला है वो भी कलरलेस हो गया। अरे वाह, मतलब होली के रंग में तुमने पानी मिलाया और पानी बन गया, रंग गायब हो गया। तो ऐसा हो सकता है कि हाँ, केमिकल रिएक्शन में ऐसा ही होता है जब आप KMnO4 के पिंक कलर में ऑक्जैलिक एसिड को मिलाते हो तो यहाँ पर कलर चेंज होता है। तो ये रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन है, तो आप वहाँ पे केमिकल मतलब वहाँ पे आप ऑक्जैलिक एसिड भी मिला सकते हो, आप नींबू का रस भी मिला सकते हो, आप साइट्रिक एसिड भी मिला सकते हो, मतलब कोई भी एसिड मिला सकते हो। पढ़ो स्वास् थी, सम केमिकल रिएक्शंस। सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन कलर। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन साइट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर्ड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन कलर फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस। हाँ, तो यहाँ पर पर्पल से कलरलेस हो रहा है, वही जो मैंने बताया कि पोटेशियम परमैंगनेट एक आप ले लो टेस्ट ट्यूब में, एक आप उस टेस्ट ट्यूब में ले लो, वो कौन सा कलर होता है? पर्पल कलर का होता है। इसमें आप लेमन जूस डालोगे ना, डालते जाओ धीरे धीरे डालते जाओ और हिलाते जाओ उसको, गिलास को या टेस्ट ट्यूब को, आप देखोगे पूरा पर्पल कलर गायब हो जाएगा, पूरा पर्पल कलर जो है KMnO4 का वो गायब हो जाएगा। जबकि KMnO4 का पर्पल कलर इतना ज़्यादा सुर्ख गुलाबी होता है, इतना ज़्यादा वाला गुलाबी होता है कि हाथ में लग जाता है तो पूरा हाथ लाल कर देता है, ठीक है ना, इतना ज़्यादा कलर होता है वो तेज। बट यहाँ पे जो नींबू होता है, नींबू उसके कलर को गायब कर देता है, मतलब कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। आगे पढ़िए बेटा। Add some lemon juice. It contains citric acid. To it with the help of a dropper, and shake the test tube. The purple color of potassium permanganate solution goes on fading, and ultimately it becomes colorless. Done, sir. तो ये colorless हो जाता है। चलिए, ये हो गया। नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं बच्चों। तो इस तरीके से देखा कि इसका पोटेशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन जो है वो कैसा हो जाता है, फेड होते 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 उसका अल्टीमेटली कलर गायब हो जाएगा। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ चेंज इन कलर। इसकी रिएक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे रिएक्शन नहीं बताई है। नेक्स्ट है बच्चों चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर की एक रिएक्शन अपन ने देख ली, उसमें हालांकि एवोल्यूशन ऑफ गैस भी इन्वॉल्व थी, गैस भी निकल रही थी और टेम्परेचर भी चेंज हुआ। अब अगर दूसरी अगर रिएक्शन की मैं बात करूँ चेंज इन टेम्परेचर की, तो आप एक रिएक्शन देख सकते हो, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जब आप पानी मिलाते हो, मतलब सूखे चूने के साथ जब आप पानी मिलाते हो, वही है ना, दीवारों में पोतने वाले चूने के साथ आप पानी मिलाते हो तो क्या बन जाता है? गीला चूना, CaOH होल ट्वाइस, और ज़बरदस्त हीट निकलती है, ज़बरदस्त वाली, ख़तरनाक वाली हीट, इतनी हीट निकलती कि पूछो मत बच्चों, हाथ डाल लिया तो हाथ जल जाएगा बहुत ज़्यादा वाला। तो यहाँ पे क्या निकल रही है? यहाँ पे निकल रहा चेंज इन टेम्परेचर। पढ़िए स्वस्ति, सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन टेंपरेचर। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर टू फॉर्म लेड लाइम इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन टेंपरेचर।
Take a little of quicklime in a hard glass beaker. Add water to it slowly. Touch the beaker feels to be quite hot. Yes, exactly. तो यही क्विक लाइम वाली रिएक्शन है. CO मतलब क्विक लाइम. जो मार्केट से आप चूना लेकर के आते हो दैट इज़ कॉल्ड क्विक लाइम. और उस क्विक लाइम को अगर आप पानी में मिला दो तो बहुत ज़्यादा जोरों की हीट निकलती है. ओके, सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ आपका जो रिएक्शन है. चलिए मैं आपको क्विक लाइम दिखा देता हूँ कि क्विक लाइम कैसे हुआ करता है. ठीक है, क्विक लाइम के फ़ोटो देख लो, को वीडियोस दिखाता है क्विक लाइम मिक्सिंग विद वाटर के. तो ये बहुत जोरों से बर्न हुआ करता है क्विक लाइम मिक्सिंग विद वाटर. ये देखिए बच्चों, यस, ये लो भाई कैमरे में चला गया. और डालो पानी, और डालो भैया, पानी डाल बेटा. सूख गया पूरा पानी. यस सर. ये बन गया कैल्शियम हाइड्रेट स्लैक लाइम. उसको उठा लिया है. आप बर्तन के हाल देखो क्या हो गए. इवन इनसाइड ए कोल्ड वाटर बाथ प्लास्टिक मेल्ट इन सम प्लेस. देखो इतना मतलब कि गर्म था बर्तन के ऊपर, इन लोगों ने दूसरे बर्तन के ऊपर इसको रखा, पिघल गया है. ठीक, सो आई मीन कहने का मतलब यह है कि कितनी खतरनाक वाली रिएक्शन हुई. चलिए देखा आप लोगों ने क्विक लैम वाली रिएक्शन, समझ में आ गया. यस बोलो सब लोग. चलिए सेकेंड अगली रिएक्शन पढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6, जिसको बोलते हैं अपन चेंज इन स्टेट. तो कुछ रिएक्शन होती है जिसमें चेंज इन स्टेट हो जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं डायरेक्टली. क्या वो रिएक्शन कैसी है आपकी, केमिकल रिएक्शन. एग्जांपल, गाड़ी में पेट्रोल बर्न होता है. तो बच्चों जब पेट्रोल बर्न होता है ऑक्सीजन के साथ, तो बर्न करके पेट्रोल किस फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में. बोलो यस. यस सर. और जब बर्न होता है तो क्या निकलता है, स्मोक. स्मोक कौन सी फॉर्म है, गैस फॉर्म है कि नहीं है. तो कौन सी रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन, क्योंकि ये पेट्रोल रहता है लिक्विड फॉर्म में और ये बर्न हो गैस फॉर्म में निकलता है. सो दिस इज केमिकल रिएक्शन. इसी तरीके से जब आप मोमबत्ती कैंडल को बर्न करते हो, तो मोमबत्ती में जो वैक्स होती है सॉलिड फॉर्म में हुआ करती है, होती नहीं है होती वो. तो बोलो स्वास्थ्य. Yes, सॉलिड फॉर्म. और जब ये बर्न होती है तो किस फॉर्म में, धुएं की फॉर्म में निकल जाती है. अब आप कहोगे सर वो पिघल पिघल करके गिरती जाती है. अरे बंधु, वो जो पिघल करके गिरती है वो एक्चुअली वो बहुत कम गिरती है. आधे से ज़्यादा वैक्स इसका जल चुका होता है. समझ में आया कि नहीं आया. बोलो बोलो बोलो. यस सर. ठीक है ना. यस, तो इसका वैक्स जो होता है जल चुका होता है, तो इट इज ये जो है केमिकल रिएक्शन. हाँ पढ़िए स्वास्थी. व्हेन वैक्स इज बर्न इन द फॉर्म ऑफ वैक्स कैंडल, देन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म. नाउ
Vex is a liquid, whereas carbon dioxide is a gas. This means that during the combustion reaction of Vex, the physical state changes from solid to liquid and gas. ओके तो बच्चों यहाँ पर ये कंप्लीट होता है कि आइडेंटिफिकेशन हम कैसे कर पहचानते हैं। तो चलिए अभी तक हमने कितने आइडेंटिफिकेशन करे एक एक करके बताते जाओ। सभी लोग माइक ओपन करो और अपना अपना ओपिनियन देखते जाओ। बताओ कौन कौन सी तरीके थे। नंबर वन पे क्या पढ़ा था हमने? चेंज इन टेम्परेचर। चलो एक हमने पढ़ा चेंज इन टेम्परेचर, और बोलो फिर क्या पढ़ा? चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस भी आया और चेंज इन कलर भी आया। और क्या पढ़ा? चेंज इन ऑर्डर। बिल्कुल सही, चेंज इन ऑर्डर, खुशबू में चेंजेस आ जाते हैं। और क्या पढ़ा? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का बनना। एंड अभी हमने पढ़ा चेंज इन स्टेट। क्या पढ़ा? चेंज इन स्टेट। समझ गया ना? चेंज इन टेम्परेचर भी बता दिया, एन एवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो गया। तो ये सारे तरीके हैं जिससे हमें पता चलता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। चेंज इन स्टेट हो गया, चेंज इन कलर हो गया, एवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया, चेंज इन टेम्परेचर हो गया, और दो मैंने और पढ़ा दिए, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट एंड पिट्रेशन एंड चेंज इन स्टेट। ये हो गया। क्वेश्चन लिखो बच्चों, लिखो। इन विच वे वी कैन आइडेंटिफाई दैट देयर इज अ केमिकल रिएक्शन। हम कैसे पता लगा सकते हैं कि वहां पर कोई केमिकल रिएक्शन हुई है? ओके चलिए, ओके चलिए अगली हेडिंग लिखिए, डिफाइन केमिकल इक्वेशन। वैसे पढ़ा चुके हैं मगर फिर भी आ गई तो कोई बात नहीं, जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। डिफाइन केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है भाई? किसी केमिकल रिएक्शन को लिखने का तरीका क्या होती है? केमिकल इक्वेशन किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका जो होता है, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन। सो व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? इट इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स। ठीक है ना? कि किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स का इस्तेमाल करते हुए लिखने का जो तरीका होता है, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। सो इन केमिकल इक्वेशन चीज़ें क्या क्या होती हैं? लेफ्ट साइड में जितनी चीज़ें होती हैं बिफोर द रिएक्शन, यू थिंक्स द थिंग्स यू टेकिंग आर कॉल्ड रिएक्टेंट, एंड आफ्टर द रिएक्शन जो चीज़ें बनती हैं दोज आर कॉल्ड प्रोडक्ट। स्वास्थ्य पढ़िए, रिएक्टेंट। सब्सटेंसेस दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन are called reactants. Product, new substance formed after a chemical reaction is called product. Exactly. So the new substances जो बनते हैं after the reaction उनको हम बोलते हैं product. हाँ, next पढ़ो बेटा, representation of chemical reaction. Representation of a chemical reaction using symbol of substances is called chemical equation. Example, A plus B gives C plus D. In this equation, A and B are called reactants and C and D are called products. Arrow shows the direction of chemical reaction. Condition, if any, is written generally above the arrow. Yes. When hydrogen if you giving any condition, like agar aap temperature de rahe ho, agar aap heat de rahe ho, agar aap ठंडा कर रहे हो, तो जो भी काम कर रहे हो आप उसको टेम्परेचर के ऊपर, सॉरी एरो के ऊपर लिखो। तो एरो के ऊपर जो कंडीशंस आप दे रहे हो, जैसे मान लो आप कोई रिएक्शन को अंधेरे में करवा रहे हो, तो यू शुड राइट अबव द एरो इन डार्क। लाइक सम रिएक्शन इज पॉसिबल इन द डार्क, देन यू राइट इन डार्क। सम रिएक्शन पॉसिबल इन सन, देन यू कैन राइट इन सनलाइट। लाइक दीज थिंग्स यू नीड टू राइट इन द केमिकल रिएक्शन। यस यस, नेक्स्ट पढ़ो बेटा। व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट गिव्स वाटर। दिस रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। इन फर्स्ट इक्वेशन वर्ड्स आर यूज्ड एंड इन सेकंड सिंबल्स ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज्ड टू राइट द केमिकल इक्वेशन। फॉर कन्वीनियंस सिंबल्स ऑफ सब्सटेंसेस substance is used to represent chemical equation. So beta, first equation जो पहली equation है that is called word equation.
तो बच्चों जो पहली इक्वेशन कहलाती है ना, इसको बोलते हैं हम वर्ड इक्वेशन। है दोनों ही केमिकल इक्वेशन, बट पहली इक्वेशन कहलाती है बेटा वर्ड इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन जो है वो केमिकल इक्वेशन है, वो सिंबल फॉर्म में है। ओके, अब केमिकल इक्वेशन को हम इंफॉर्मेटिव बनाते हैं। केमिकल इक्वेशन इज अ वे टू रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन इन कंसाइज ऑफ इंफॉर्मेटिव। इन कंसाइज मतलब छोटे रूप में, एंड इंफॉर्मेटिव मतलब उसमें जानकारी मिले। सो व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, क्वेश्चन लिख लेना, ये है इसका आंसर। केमिकल इक्वेशन इज अ वे टू रिप्रेजेंट एनी केमिकल रिएक्शन इन कंसाइज, कंसाइज मतलब छोटा, एंड इंफॉर्मेटिव मतलब जानकारी देने वाला। नाउ वी हैव द टू वेराइटीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस। फर्स्ट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, सॉरी केमिकल इक्वेशन के टाइप बोल रहा था, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सेकेंड इज अनबैलेंस्ड। राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, डिफाइन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इससे एक क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का, पढ़ो बेटा क्वेश्चन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, पढ़िए। अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल ऑन बोथ साइड्स, एग्जांपल Zn जिंक प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड गिव ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन H2। ए वेरी गुड। सो गाइज, ये दोनों रिएक्शन देख करके, ये रिएक्शन देख करके अपने अपने माइक ओपन करें और मुझे बताएं कि ये रिएक्शन आपको कैसी दिख रही है बच्चों, ये बैलेंस है कि अनबैलेंस है? नॉट बैलेंस, नॉट बैलेंस, सर बैलेंस, बैलेंस, एग्जैक्टली बैलेंस। देखिए, अगर आप LHS में बात करें और RHS में बात करें, LHS और RHS, ऐसे देखा जाता है बैलेंस। अगर मैं जिंक की बात करूं तो जिंक LHS में 1 है, RHS में भी 1 है। अगर मैं सल्फर की बात करूं तो सल्फर भी LHS में 1 है और RHS में 1 है। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन LHS में 4 है, RHS में भी 4 है। कौन बच गया, जिंक हो गया, हाइड्रोजन बच गया। उधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। चलो, बैलेंस अनबैलेंस की तो बात होती रहेगी, अब जो पढ़ाया उस पर नॉलेज पर मैं आपको चेक कर लूँ। ये बताइए कि ये रिएक्शन और कौन सी रिएक्शन का टाइप है, इसमें ये कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन? वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही जवाब। दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज जिंक हाइड्रोजन सल्फेट को रिप्लेस कर देता है, सल्फेट पार्ट को, सल्फेट को अपनी रानी बना लेता है और अपने राज्य में मिला लेता है, इससे सल्फेट को लूट लेता है हाइड्रोजन से। चलिए, तो बिल्कुल सही बात है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आप ये बताओ, जब ये रिएक्शन हुई थी तो जिस फ्लास्क में मैंने ये रिएक्शन कराई थी, जिस कॉनिकल फ्लास्क में ये रिएक्शन हुई थी, बच्चों बताओ कि उसका टेम्परेचर बढ़ गया था कि घट गया था? बढ़ गया था, एग्जैक्टली। मतलब यहाँ पर एनर्जी भी निकलेगी, हीट भी लिबरेट होगी। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट लिबरेट होती है, ऐसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं बच्चों एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो कॉपी में क्वेश्चन बनाइए, डिफाइन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, लिखिए क्वेश्चन, डिफाइन एक्सोथर्मिक। तो डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ ये एक्सोथर्मिक भी है, लिखे डिफाइन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो व्हाट इज एक्सोथर्मिक? एक्सो मतलब क्या होता है? एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट मतलब बाहर निकलना। क्या बाहर निकलेगी? हीट बाहर निकलेगी। तो द रिएक्शन इन विच हीट गेट्स लिबरेटेड, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकलती है, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो सच रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बोलो, समझ में आया? यस सर। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक। बोलो बेटा, बोलो सर। अपन को कैसे पता चलेगा कि हीट जनरेट हुई है? देखो बेटा, ये जो रिएक्शन है, आप अगर ग्लास में लेके करते हो, मैंने तो करी है हाथ से, तो मैंने देखा है, जब मैं फ्लास्क में लेके पकड़ा था और मैंने हाइड्रोजन सल्फेट में, जैसे मैंने हाइड्रोजन सल्फेट यानी सल्फ्यूरिक एसिड मैंने एक फ्लास्क में भर लिया था, और जैसे ही मैंने इसमें जिंक के टुकड़े डाले, जिंक पुल पुल करके ऊपर आने लग गया और ये गर्म होने लग गया, ये लिक्विड गर्म होने लग गया। तो मैंने पहले ग्लास में अपने जो पाम थी नीचे रखी हुई थी, फिर बाद में जैसे गर्म हुआ तो मेरे को फ्लास्क ऊपर से पकड़ना पड़ गया था। तो हम केवल यहाँ पे पढ़ सकते हैं बेटा नीतेश, बट ये रिएक्शन सारी प्रैक्टिकली होंगी, तभी आपको पता चलेगा कि कौन सी गर्म है कौन सी ठंडी है। मतलब इसका कोई तरीका नहीं है कि हमें रिएक्शन देख के पता चल जाए कि कौन सी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी, कौन सी हीट छोड़ेगी और कौन सी हीट लेगी। समझ में आया? यस। तो ये हमको याद करना पड़ेगा। समझ में आया आपको कि नहीं आया? हाँ चलो, तो ये रिएक्शन थी, बैलेंस थी, तो ये बैलेंस भी हो गई, साथ में मैंने क्या बताया, ये डिस्प्लेसमेंट भी है
और ये एक्सोथर्मिक भी है। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? बोलो। हाँ चलो, स्वास्थ्य पढ़िए। इन दिस रिएक्शन, इन दिस इक्वेशन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ जिंक, हाइड्रोजन एंड सल्फेट आर इक्वल ऑन बोथ द साइड, सो इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। टू ओबे दिस लॉ, द टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन reactants must be equal to the total mass of elements present in products, or we can say that initial number of atoms of an element should be equal to the final number of atoms. Exactly, so such a reaction is called, because the number of the mass of the element on the LHS should be equal to the mass of the element into the RHS, because ye kaun sa law hai, ye har jagah universally accepted law hai, this is called law of conservation of mass, aur ye chemical reactions mein bhi hold hota hai, bilkul sahi hota hai, isliye unko uske law ko palan karne ke liye jitne element hamare left honge utne element right mein hona zaruri hai, otherwise mass conservation apply nahi hoga, isliye hame reactions ko balance karke likhna padega। But let's, it's time to talk about the next type of chemical equations, those are called unbalanced chemical equation. Very simple, the reactions, the equations, not reactions, the chemical equations in which the number of element in left hand side are not equal to the number of element in right hand side are called unbalanced chemical equation. Chalo padho beta. If the number of atoms of each element in reactants is not equal to the number of atoms of each element present in product, then the chemical equation is called unbalanced chemical equation. Fe iron plus H2O water gives FeO4 iron oxide plus H2 hydrogen. Exactly, so look example, here, this is the example. यहाँ पे देखिए, iron अगर आप LHS की बात करें तो LHS में iron कितना है, एक है, but RHS में देखिए Fe3O4 बन, तो फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 है, तो आयरन यहाँ पे क्या है बच्चों, 3, पहले वहाँ 1 थे और यहाँ पे कितने हो गए, 3 हो गए। अगली बात करते हैं हाइड्रोजन की, H2 की, तो हाइड्रोजन लेफ्ट में भी 2 था और राइट में भी 2 है, ऑक्सीजन लेफ्ट में 1 है बट राइट में 4 है, तो देखिए ये रिएक्शन जो है अनबैलेंस है। पढ़िए, इन दिस एग्जाम्पल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल ऑन टू साइड्स ऑफ द रिएक्शन। For example, on the left hand side, only one iron atom is present, while 3 iron atoms are present on the right hand side. Therefore, it is an unbalanced chemical equation. Okay, so now our next task is to balancing a chemical equation. कि हम किसी chemical equation को कैसे balance करेंगे? आइए सीखते हैं किसी chemical equation को balance करना। तो बच्चों, किसी chemical equation को balance करने के लिए उसका सीधा structure लिख लो। कोई भी रिएक्शन है उसमें आपको ये बस पता है कि क्या मिलाएंगे, क्या बनेगा, बस ये आपको पता है तो लिख लो। जैसे एग्जाम्पल लिख करके आएगा, क्वेश्चन बोलेगा एग्जाम में कि आयरन प्लस वाटर इक्वल्स टू फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्वेश्चन में इतना लिख करके आया, आयरन प्लस वाटर इक्वल टू फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो बच्चे लोग क्या करोगे, सर आयरन तो Fe पता है, सर पानी हमें H2O पता है, सर फेरिक ऑक्साइड आपने रटवा दिया था, Fe2O3 होता है फेरिक ऑक्साइड, कैसे जिनको भूल गया वो कैसे याद करेंगे। सर ने बताया था आयरन की वैलेंसी होती है +3, ऑक्सीजन की होती है -2, याद करिए, तो 2 यहाँ आएगा और यहाँ आएगा, फेरिक में +3 होती है, तो ये बन जाएगा Fe का 2 और O का 3। चलो तो ये फॉर्मूला भी याद है, और सर हाइड्रोजन आप बताया था H2, ये लिख दिया आपने, ये चारों रिएक्शन लिख दी। अब आप क्या करिए, आप एक टेबल बना लीजिए, सिंपल टेबल बना लो, जिसमें ये देखो कि LHS में कितने प्रेजेंट है, RHS में, तो LHS में देखिए आयरन कितना प्रेजेंट है, 1, और RHS में देखो कितना हो गया, 3। RHS में यहाँ पे Fe3O4, सॉरी 2O3 बोल गया, 3O4, Fe3O4 याद रखिएगा, सॉरी इसको याद रखना पड़ेगा आपको, ये सूट नहीं हो रहा है, समझ गए ना, मल्टीपल वैलेंसी फॉर्मूला है Fe3O4। चलिए
क्योंकि इसमें दोनों वैलेंसी मिली हुई है, देखो सेकंड थर्ड दोनों लिखा हुआ है। अब यहाँ पे बुद्धि काम नहीं करेगी वाली, आप उसको याद रखना पड़ेगा, दिस इज सेकंड लिखा हुआ है और ये थर्ड लिखा हुआ है। चलो तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट में 3 1 है और राइट में 3 आयरन Fe3। ऑक्स हाइड्रोजन लेफ्ट में भी 2 राइट में भी 2। ऑक्सीजन लेफ्ट में 4 और राइट में भी 4। अब बच्चों मैं जो रूल सिखा रहा हूँ वो देखो, ये देखो इन सब में सबसे ज़्यादा अनबैलेंस कौन हुआ है, आयरन हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, टेबल देखिए बताओ। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा अनबैलेंस हुआ ऑक्सीजन, उसी को पकड़ो। ये 4 है, देखो ध्यान से, ये 4 है बच्चों और ये 1 है। अगर मैं इस 1 को 4 करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे काहे का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बोलो। 4 4 बस यही बुद्धि आपको लगानी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो अटैक ऑन द प्रॉब्लम, काउंट करो, फिर 4 का मल्टीप्लाई कर दो। तो ये देखो आपने लेफ्ट साइड में 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखिए 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो पुरानी टेबल वही थी, ये एफ ई था, करके 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 4H2O। अब देखो फिर से आफत आ गई, अब नई टेबल बनाओ 4H2 की। अब जब नई टेबल बनाओगे तो ध्यान से देखो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो एफ ई लेफ्ट में कितना 1, राइट में कितना 3, हाइड्रोजन लेफ्ट में कितना 8, देखो लेफ्ट में 8 है और राइट में कितना है भैया 2 है। तो इस 2 को 8 बनाने के लिए मुझे यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बोलो। यस सर। तभी तो ये 8 हो जाएगा और ये भी 8 हो जाएगा, यस कि नो? यस कि नो? प्रियांशी, आर्यन, तुम लोग की आवाज क्यों नहीं आ रही है? दिव्या, यस नो रिप्लाई करो कुछ। यस सर। तो ये 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, चलो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, मजे आ गए। अब ऑक्सीजन देख लो भाई, ऑक्सीजन लेफ्ट में कितना है 4 है, क्यों? क्योंकि आगे 4 लग गया तो ऑक्सीजन लेफ्ट में 4 है और राइट में भी 4 है, बड़े मजे हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, मतलब हाइड्रोजन भी बैलेंस, ऑक्सीजन भी बैलेंस, बचा कौन? आयरन। तो यहाँ पे 1 है, आयरन यहाँ पे 3 है, बताओ 1 के साथ कितने का मल्टीप्लाई कर दूँ? 3 का, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया। तो फाइनल रिएक्शन क्या हुई, 3Fe प्लस 4 टाइम्स H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4H2। अब देख के बताओ, बोलो सारा का सारा बैलेंस है कि नहीं है? यस सर। बोलो सब कुछ बैलेंस। हाँ तो अब सब कुछ बैलेंस हो गया, सो दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये बैलेंस, तो बताओ आप सब लोगों से बैलेंसिंग बन जाएगी कि नहीं बनेगी? यस सर। चलो ठीक है, अनूप एक बार पढ़ दो इसको। अनूप, अटैक ऑन द फॉलोइंग प्रॉब्लम, पढ़ो। इन अबव इक्वेशन, इन अबव इक्वेशन अ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन आर नॉट इक्वल ऑन टू साइड, लेट टेक ऑक्सीजन फर्स्ट, अटैक द साइड वेयर देयर इज लेस नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। इन अबव इक्वेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इज मिनिमम ऑन LHS, दस टू बैलेंस द इक्वेशन वी नीड टू मल्टीप्लाई द ऑक्सीजन बाय 4 ऑन LHS। बिल्कुल, क्योंकि राइट में 4 ऑक्सीजन थे और लेफ्ट में 1 था, तो हमको कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 का। तो हमने लेफ्ट में 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी बन गई। पढ़ो फिफ्थ पॉइंट, नाउ अटैक, नाउ अगेन चेक, नाउ अगेन चेक द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन रिएक्टेंट एंड इन प्रोडक्ट, यू कैन सी दैट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बिकम्स 8 ऑन द LHS व्हिच इज मोर देन दैट ऑन द RHS, टू बैलेंस इट वन need to multiply the hydrogen on the LHS by 4. RHS by 4, बेटा RHS 4 का मल्टीप्लाई किया ना? Yes sir. हाँ, तो RHS में जो हाइड्रोजन थे जो कम पड़ रहे थे उनको 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। आगे पढ़ो, after that number of oxygen and hydrogen atoms becomes equal on both side, the number of iron in is 1 on LHS while in their 3 on the RHS, to balance it multiply the iron by LHS by 3. तो देखिए 3 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने आयरन को, तो आयरन बैलेंस हो गया। पढ़ो, नाउ द नंबर,
Now the number of atoms of each element become equal on both the sides. Thus, this equation is a balanced equation.